हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक कलर टीवी को रिपेयर करने जा रहे हैं और आप इसमें देख सकते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। इस कलर टीवी में फॉल्ट है दोस्तों, पिक्चर के ऊपर रिट्रेस लाइन्स आ रही हैं, वो भी ब्लू कलर में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रिट्रेस लाइन का फॉल्ट आ रहा है। नीले कलर का रिट्रेस लाइन पिक्चर के ऊपर में आ रहा है, जिससे इसका पिक्चर सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे इस वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताएंगे कहां कहां से इसको चेक करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह के रिट्रेस लाइन का फॉल्ट दोस्तों CRT बेस सेक्शन से उत्पन्न होता है और EST सेक्शन से अगर 180 वोल्ट का सप्लाई नहीं आएगा तो भी रिट्रेस लाइन का फॉल्ट आएगा। और यहाँ पे जो मेन IC लगा होता है, प्रोसेसर जो IC लगा होता है, उसकी ख़राबी की वजह से भी इस तरह का फॉल्ट उत्पन्न होता है। और लास्ट में दोस्तों, पिक्चर ट्यूब की ख़राबी से भी रिट्रेस लाइन का फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से इसको चेक करते हैं इसका फॉल्ट कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है इसका CRT बेस। पिक्चर ट्यूब पर जो बेस लगा है, यहाँ पर इसका जो CRT सेक्शन है, यहाँ पे हमें 180 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे EST से सप्लाई आता है 180 वोल्ट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम CRT बेस में 180 वोल्ट सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको चेक करते हैं। हमने मल्टीमीटर को DC 200 वोल्ट की रेंज पे लगा दिया है। जो ब्लैक वायर है मल्टीमीटर का, उसको ग्राउंड कर देते हैं पिक्चर ट्यूब पे या कहीं भी ग्राउंड पे और चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर EST सेक्शन से 3 वायर आ रही हैं। यहाँ पे 180 वोल्ट की सप्लाई का वायर है और एक ग्राउंड का है और एक जो फिलामेंट को जलने के लिए हीटर की सप्लाई है। तो आप यहाँ पे 180 वोल्ट की सप्लाई देख सकते हैं। यहाँ पे 170 वोल्ट के करीब सप्लाई आ रहा है, सप्लाई हमारा ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लू कैथोड है, नीले रंग का जहाँ से कलर बनता है, यहाँ पर सप्लाई हमें बहुत कम मिल रहा है। यहाँ पर 28 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर लगभग 60-70 वोल्ट से लेके यहाँ पे 180 वोल्ट तक लगभग मिलना चाहिए। वो आप देख सकते हैं इस कैथोड में, देखिए आप रेड कैथोड में 150 वोल्ट करीब आ रहे हैं। तो यहाँ पे 180 वोल्ट से कम ही मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 60-70 वोल्ट से ये वेरिएशन होता रहता है। डिपेंड करता है कि पिक्चर ये चेंज होने पर इसका कैथोड का वोल्टेज चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर वोल्टेज बहुत कम है। तो ये है इसका ब्लू कैथोड का ट्रांजिस्टर, यहाँ पे भी वोल्टेज कम है दोस्तों, क्योंकि यहीं से इस 180 वोल्ट को यूज़ करके यहाँ पे ट्रांजिस्टर के जो कैथोड है उस पिन पे भेजता है। तो यहाँ पे जो इनपुट सप्लाई है दोस्तों 180 वोल्ट, वो आ रहा है, लेकिन ट्रांजिस्टर के ज़रिए इसके कैथोड पे जाना चाहिए, तो वहाँ तक वो पूरी सप्लाई पहुँचा नहीं पा रहा है। तो ये हमने ट्रांजिस्टर को निकाल दिया है दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूं कि यहां पे हमने इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि यहां कैमरे में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ये देखिए 2482 ये ट्रांजिस्टर है, इसको हमने निकाल दिया है, उसके जगह पे यहां पे फ्रेश ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं। दोस्तों, आपको बेस में ट्रांजिस्टर को मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे इसको, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो कई बार ये ट्रांजिस्टर सही दिखाता है लेकिन ये काम नहीं करता है। तो सीधा आपको फ्रेश ट्रांजिस्टर यहाँ पे चेंज कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम ये ट्रांजिस्टर चेंज करते हैं। दोस्तों, अगर आपको समझ ना आए कौन सा ट्रांजिस्टर इसका चेंज करना है, तो यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, तो आप तीनों ट्रांजिस्टर सीधी तरीके से चेंज कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम ये ब्लू कैथोड का जो ट्रांजिस्टर है उसको हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पे वोल्टेज सही हो पाता है कि नहीं हो पाता है और जो फॉल्ट हमारा क्लियर होता है कि नहीं होता है। तो ये हमने लगा दिया है, इसकी एक्स्ट्रा पिंस को हम कट करके यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम दोबारा से इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर हमने सेट कर लिया है और देखते हैं यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है। पहले 38 वोल्ट आ रहा था,
अब देखते हैं ये ब्लू कैथोड, यहाँ पे देखिए दोस्तों 118 वोल्ट आ गए हैं। तो ये यहाँ पे 60-70 वोल्ट से लेके आपको 180, 160, 170 वोल्ट के करीब मिलेंगे सप्लाई। वो पिक्चर जो यहाँ पे स्क्रीन पे आता है उस हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा इसका वोल्टेज होता रहता है। तो ये वोल्टेज हमारा सही हो चुका है। ये देखिए दोस्तों पहले 38 वोल्टेज आ रहा था, यहाँ पे भी देखिए 118 वोल्ट मिल रहे हैं और यहाँ पे भी 118 वोल्ट मिल रहे हैं। तो हमारा ये वोल्टेज सही हो गया है। और हम देख लेते हैं टीवी स्क्रीन पे ये फॉल्ट हमारा सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए चलते हैं टीवी स्क्रीन की ओर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ये आगे हम टीवी स्क्रीन पे, और आप देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल इम्प्रूव हो चुका है, फॉल्ट हमारा क्लियर हो चुका है। पहले पिक्चर के ऊपर में रिट्रेस लाइंस आती थी नीले कलर की, तो ये फॉल्ट हमारा ठीक हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह का रिट्रेस लाइन का फॉल्ट दोस्तों पिक्चर ट्यूब के बेस से ही ज़्यादातर आता है, और ESD सेक्शन से अगर सप्लाई ना आए 180 वोल्ट तो भी इसका फॉल्ट आता है। कई टीवी में इसका जो प्रोसेसर IC रहता है, मेन IC, वो भी ख़राब होने की वजह से रिट्रेस लाइन का फॉल्ट आता है, क्योंकि वहीं से ही इसका वीडियो सिग्नल और कलर सिग्नल यहाँ पे CRT बेस पे भेजा जाता है। और कई बार दोस्तों पिक्चर ट्यूब की ख़राबी से भी इसका फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है, तो इस स्थिति में हमें पिक्चर ट्यूब चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाती हैं अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो, और आपको वीडियो मिस हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।